दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपकी लाइफ के हर मोमेंट को इम्पैक्ट करती है, जो आपके बच्चों को, आने वाले जनरेशन को इम्पैक्ट करेगी, जो पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करने वाली है, जिसके इफेक्ट आप रोज देख रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो रिन्यू की जा सके, उसकी बात करेंगे, क्योंकि इसके बिना सोचना, आगे बढ़ना बहुत ही घातक होता जा रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जो एनर्जी को हम यूज करते हैं, उसको हम रिन्यू कर पाए, उसको हम कम खर्च करें, उसको हम वेस्ट कम करें, उसको हम रिसाइकल कर पाए, तो ऐसी एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी एक फ्यूचर की एनर्जी बोला जा रहा है, क्योंकि जो नेचुरल सोर्सेस अभी तक के एनर्जी के रहे हैं, ऑबियस से सोर्सेस, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोल हो, इन सबसे जो हम एनर्जी लेते हैं, एनर्जी यानी लाइट, पावर, पावर जनरेशन, और फिर उनको हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम से डीजल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, और उसके बाद गैस, सीएनजी, पीएनजी, ये सारी हैं जो एनर्जी के सोर्सेस हैं, उनका एक लिमिटेड सोर्स है। अब लिमिटेड सोर्स की एनर्जी को कब तक हम यूज़ करेंगे? तो अब जो समय आ गया है, वो समय है रिन्यूएबल एनर्जी। अगर अब समय रिन्यूएबल एनर्जी का आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी जनरेट हो रहे हैं। आज मैं 5 ऐसे करियर ऑप्शन की बात करूंगा, और इनफैक्ट मैं खुद पर्सनली रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी को ग्रीन एनर्जी की तरफ मैं थोड़ी स्टडी भी कर रहा हूँ। कार्बन रिड्यूस करना एटमोसफियर से, फैक्ट्री से आउटपुट जो कार्बन का आता है, ड्यू टू वेरियस सोर्सेज, उसको कम करना, फिर उस पर ट्रेडिंग भी हो रही है, अब उसको हेज भी किया जा रहा है, वो एक तरह से एक कमोडिटी की तरह यूज़ होने वाला है फ्यूचर में, उसको उस पर बहुत सारी फैक्ट्रीज को बेनिफिट हो रहा है। तो बहुत डिटेल तो नहीं, लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कौन कौन से करियर इम्पैक्ट हो सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ फील्ड्स, सो हियर आर सम पोटेंशियल करियर पाथ्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। पहला पॉइंट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, एंड देयर आर मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड यू कैन वर्क एज अ सोलर पैनल वर्कर, इंस्टॉलर, इंजीनियर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और आप काम कर सकते हो एक तरह से एडवाइजर के फॉर्म में। बड़ी सारी सोलर एनर्जीज जो शुरू में डेवलप हुई जब एक ग्रोइंग मार्केट था, वो आज बहुत जियांट बन गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बन गई हैं। मैं उनको पर्सनली कुछ को जानता हूँ। तो जो सोलर एनर्जी में शुरू में लगता था बड़ा महंगा है, इतने यूनिट इसके इंस्टॉलेशन में इतना पैसा लगता है, तो पब्लिक थोड़ा सा रिजर्व रहती थी, रिजर्वेशन था, फ्रिक्शन था, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट के इंटरवीन से, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से वो कम होता जा रहा। आप देख रहे होगे, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रही है उसमें, बहुत सारे स्टेट में इस पर सब्सिडी दी जा रही है, आप इंस्टॉल करो और गवर्नमेंट को ही उसके यूनिट पर्टिकुलर रेट में बेचो 25 साल के लिए, गवर्नमेंट सीधे सीधे लीज कर रही है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5-10 साल में निकल के आ जा रहा है। तो ऐसे कई इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, कई लोग इंडिविजुअल हैं जो बाहर से कॉन्टैक्ट करके उसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर एज अ एंटरप्रेन्योर आप जाना चाहते हैं तो भी है, लेकिन उतने पैसे नहीं है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी के माध्यम से भी आप जा सकते हो। दूसरा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज अनदर रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी फील्ड है, यहाँ पे भी बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। टर्बाइन जनरेशन, एक टेक्नीशियन आप बन सकते हो, हालांकि ये टिपिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम है। प्रोजेक्ट मैनेजर आप बन सकते हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, तो ये एक बहुत रिवार्डिंग फ्यूचर, और जिसमें आपको काफ़ी अच्छा फ्यूचर में इस पर वर्क मिल सकता है। एक थर्ड पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ, एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी को हम स्टोर करते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये स्टोरेज का फंडा हो गया। तो एज रिन्यूएबल एनर्जी बिकम्स मोर प्रीवेलेंट, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन आर बिकमिंग इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंट। ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता जा रहा है। देर आर मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आर इन दिस एरिया। उसमें आप बैटरी इंजीनियर, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डिजाइनर, एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये सिंपल बेसिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब है। आप डिप्लोमा करके भी जा सकते हो, कुछ नहीं है तो भी आप डायरेक्ट साइंस बैकग्राउंड से होते हुए भी अंदर जा सकते हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ, एनर्जी एफिशियंसी इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशियंसी इज इम्पॉर्टेंट वे।
ये सबसे इंपॉर्टेंट वेव है रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन करने के लिए या वेस्ट को रोकने के लिए। एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करो, वेस्ट रुकेगा, तो यहां से आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आपको इफिशियंसी बढ़ानी है तो आपको वेस्ट को रोकना होगा, आपको इंक्रीज करना होगा उसका इनपुट, जिससे वेस्ट इनपुट बढ़े, वेस्ट रुके, आउटपुट ज्यादा मिले। के साइड इंपैक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, पब्लिक सपोर्ट करेगी, खुद को अच्छा लगेगा। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को आपको रोकना है, आप एनर्जी ऑडिटर बन जाइए, एनर्जी एफिशिएंसी इंजीनियर बन जाइए, एनर्जी इफिशियंसी कंसल्टेंट बन जाइए। ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है। अब मैं आ जाता हूँ पांचवें पॉइंट पे, पॉलिसी एंड एडवोकेसी। ये जो पॉलिसी एंड एडवोकेसी है, ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज आर वेरी क्रूशियल फॉर ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। आजकल सारी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट कुछ कुछ कंपल्सन लगा रही है, कुछ कुछ वो बोल रही है भैया तेरे को ये फॉलो करना होगा, नहीं तो हम तेरे को सर्टिफिकेट नहीं देंगे। कई कई बार एनर्जी सेविंग पे उनको एप्रिसिएशन है, कुछ टैक्स में बेनिफिट्स है, कुछ उनके जीएसटी में छूट है। तो इस तरह से आप अगर एडवोकेसी और पॉलिसी मेकर बनते हो, जो पर्सनली मैं भी उस चीज़ को पढ़ रहा हूँ अपने मास्टर्स में, तो वहाँ से आप क्लीनर एनर्जी की तरफ एक तो हेल्प करोगे और एक करियर ऑप्शन भी आपका होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये तो पांच जो पॉलिसीज, पांच जो मैंने पाथ बताए आपको, ये कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हैं ही, लेकिन ये पैसे के साथ साथ आपको इनर सेटिस्फेक्शन देंगे और आगे बहुत रिवार्डिंग होगी और इसमें और सारे करियर ऑप्शंस खुलेंगे। अभी तो मैंने इतना बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी करियर ऑप्शन हमें बहुत ज़्यादा दिखता नहीं और लोगों को लगता है कि यार वो अभी बहुत ज़्यादा इसमें ल्यूक्रेटिव नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल में बहुत बड़ा फील्ड होने वाला है। सो अगर चैनल पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।